जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत उत्तर प्रदेश ने सैनिकों के समस्याओं से संबंध में एक दिवसीय सांकेतिक धरना रखा, जिसमें कि हमारी मुख्य मांगे, हमारा जो रामलीला मैदान में रक्षा मंत्रालय की भूमि है, वह जो विवाद चल रहा है उस विवाद को समाप्त कर उसमें हॉस्पिटल बनाने का कार्य पुनः शुरू किया जाए। दूसरा, जो उन्नाव जिले में हमारे पूर्व सैनिक साथियों के साथ थानों में मारपीट, फर्जी मुकदमे, जिसमें कि अभी जनप्रतिनिधियों द्वारा 307 गंभीर धाराओं के साथ जो मुकदमे लगाए जाते हैं, कृपया वह बंद हो और जो फर्जी मुकदमे लिखाते हैं उन पर कठोर कार्रवाई के साथ 420 में मुकदमा दर्ज हो। पूर्व सैनिक जो हमारे प्लाट और ज़मीन खरीदते हैं उस पर भू माफियाओं की नज़र पड़ जाती है, भू माफिया कोई ना कोई उस पर विवाद उत्पन्न कर अवैध वसूली के कारण उस पर जबरन कब्जा करते हैं। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यह कार्रवाई करने वाले उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। शासनादेश के अनुसार जो हमारी सैनिक बंधु मीटिंग की जाती है उसमें 100% अप्लीकेशन जो आती है उसमें से 50% अप्लीकेशन भी अभी तक समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया है, उसका निस्तारण किया जाए। पूर्व सैनिकों के या सैनिकों के जो शस्त्र लाइसेंस होते हैं नवीनीकरण के लिए होते हैं, दर्ज कराने की प्रक्रिया होती है, उस पर जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण हमारे पूर्व सैनिक दूर से आते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं। कृपया उस पर नियमतः कार्रवाई कर एक कापी से पूर्व सैनिक को भी अवगत करा दिया करें, जिससे कि वह अपने संबंधित जहां भी डिस्ट्रिक्ट से बनवा करके लाया है वहां भी अपनी पैर भी खुद कर लिया करें। दूसरा, जो जिले में हमारे ईमानदारी से सैनिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ग्राम पंचायत पूरा चांद राशन कोटा है, उसमें 10 महीने पूर्व सैनिक ने कोटा चलाया, जिसमें दाना दाना शासन से उठाकर भी और दाना दाना गरीबों में वितरित किया, उसके बावजूद भी नकारात्मक हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण सभी उस कोटे के पीछे पड़े हुए हैं। उसको पूर्व सैनिक में ही फिर बहाल किया जाए। जिले में हमारा अभी तक कोई चौक ऐसा नहीं है जिसका चौक का नाम हमारे किसी सैनिक या परमवीर चक्र विजेता के नाम से हो। हमारी मांग है कब्बा खेड़े के आगे जो